गुड मॉर्निंग गाइस, आज यहाँ बहुत ठंड है, मौसम तो बहुत खुला खुला है, आज रात भर बारिश हुई है, लेकिन हवा इतनी चल रही है, इतनी ठंड है। आप देखिए, बारिश की वजह से पूरा धुला धुलाया लग रहा है, लेकिन ना हवा बहुत तेज़ है यार, एकदम यहाँ खड़े भी नहीं हुआ जा रहा है, बहुत तेज़ ठंड है, लग रहा है ठंड वापस आ गई है। मैं नहीं खड़ी हो सकती, मैं अंदर जा रही हूँ। यहाँ देखिए, मैंने अपने वाटर जग में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। सुबह के टाइम हम लोग गर्म ही पानी पीते हैं। और यहाँ कल रात में आई हुई सब्जियाँ ये पड़ी हुई हैं झोले में, बैग में, और इसको मैं धुल के अभी अरेंज करूँगी, क्योंकि मैं सब्जियों को हमेशा धुल के ही फ्रिज में रखती हूँ, ये मेरी आदत में है। और इधर देखिए, इधर कपड़े सूख रहे हैं सोफे पे मेरे, क्योंकि कल रात की वजह से। और इधर पानी मेरा गर्म हो गया है, तो मैं इसको थर्मस में भर ले रही हूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ी देर बैठूँगी आराम से, गर्म पानी पीऊँगी और साथ में चाय। तो चलिए, चाय मैं इधर चढ़ा देती हूँ, एक साइड में चाय बनेगी, ये पानी चढ़ा दिया मैंने, इधर चाय बनती रहेगी मेरी, और थोड़ी देर में गर्म पानी पीऊँगी। अभी सुबह की चाय है दोस्तों, बिना चीनी के बनाती हूँ मैं, वैसे मोस्टली चाय में बिना चीनी या उसके लेती हूँ, लेकिन आज ना मेरा गुड़ वाली चाय पीने का मन हो रहा है, तो आज मैं गुड़ की चाय बनाऊँगी। देखिए, पहले चाय की पत्ती और पानी को उबाल लिया, अभी इसमें सोंट पाउडर डाल दिया, एक्चुअली आज मेरे यहाँ अदरक भी ख़त्म है, और काली मिर्च मिला दिया इसमें मैंने क्रश करके। अभी दूध ऐड किया है, और अब इधर देखिए, ये मेरे पास जैगरी पाउडर है, ये मैं लेके आई थी मार्केट से, तो ये काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इसका, तो थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ कभी कभी, रेगुलर नहीं लेती हूँ मैं, बस आधी से भी कम। ये मेरी और मेरे हस्बैंड की चाय के लिए मैंने कप में डाल लिया है गुड़, और इसको बॉयल नहीं करना है, ये मैं चाय डायरेक्ट इसी में छानूंगी और चाय बढ़िया तैयार हो जाएगी। देखिए कितनी बढ़िया उबल रही है चाय। आपका मन है, आ जाइए फिर हम लोग गुड मॉर्निंग की चाय पीते हैं। ये देखिए, वाह क्या चाय है रियली दोस्तों, आज ठंडे ठंडे मौसम में अगर गर्म गर्म चाय मिल जाए तो कहने ही क्या। और ये मैंने ट्रे में रख ली है चाय अपनी, और इसके साथ में पेपर, क्योंकि अब मैं थोड़ी देर पेपर पढ़ूंगी। ये वाला टाइम मेरा ऐसा होता है कि मुझे खाली चाहिए चाहिए, ये चेयर्स। चाय बहुत ही अच्छी बनी है, तो आप भी ज़रूर बनाइए, पीजिए, और मुझे बताइएगा कि गुड़ वाली चाय आपको कैसी लगी। ये थोड़ा सा टाइम होता है मेरा और हस्बैंड का, जो हम लोग मॉर्निंग में थोड़ी देर साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं और पेपर पढ़ते हैं, और कुछ डिस्कस करना होता है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आजकल फ्रेंड्स, एकदम हॉट टॉपिक चल रहा है कोरोना, तो प्लीज़ आप अपने को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके चलें, प्रिकॉशंस लेके चलें, क्योंकि अभी तक इसका कोई भी ऐसा कन्फर्म मिला जाया नहीं है। अब भी देखिए, मैं इधर बाथरूम में आ गई हूँ, और अब मैं फुल स्पीड में आ गई हूँ, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है। अभी ये मैंने फेस वॉश करना है करके, मैं थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी अपना, इसके बाद थोड़ा साफ़ सफाई करके, आज मुझे कहीं जाना भी है फ्रेंड्स, और मैं वहाँ जाने के बाद ही आपको बता पाऊँगी, अगर लोगों को ठीक लगा तो मैं दिखाऊँगी आपको, अदरवाइज़ बस मेंशन कर दूँगी कि कहाँ गई थी मैं। और यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा हल्का सीरम लगा लिया है ओले का, और ओले की ही मॉइस्चराइजिंग क्रीम है फ्रेंड्स, तो ये मुझे सूट करती है। और यहाँ पर मैं अपना बेड सही कर ले रही हूँ यार, डेली रूटीन में तो मॉर्निंग में ये काम करना ही पड़ता है, क्योंकि घर आपको प्रेजेंटेबल होना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, अपने सुकून के लिए,
अगर आपका घर साफ़ सुथरा है गाइस, तो आपका मन लगता है किसी भी काम में। आप कुछ भी करिए, आपको अच्छा फील होगा। तो अपने आसपास सफाई रखें। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये गद्दा है मेरा, इस पर मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर लगा रखा है गाइस, जिसकी वजह से कि ये काफ़ी सेफ है। पहले मैं जब यूज़ नहीं करती थी और अब यूज़ करती हूँ तो इसमें मुझे फ़र्क लगता है। और क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे भी हैं, तो अब मुझे इसका लगता है कि ये बहुत यूज़फुल है। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मेमोरी फोम वाली तकिया है पिलो हमारी, और ये बहुत ही रिलैक्सिंग है, बहुत आराम देती है। अब बस मैं फटाफट अपना दिन का काम निपटा रही हूँ। और मैं आप सबको कहूँगी कि आप भी पॉजिटिव रहें, अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाएं। और यहाँ पर देखिए, मेरा बेड ऑलमोस्ट डन हो गया है। और ये क्विल्ट है, मैं इसकी लेयरिंग कर दे रही हूँ यहाँ पर। अभी ना सीज़न आजकल बड़ा कंफ्यूजिंग चल रहा है, कभी लगता है फ़ैन चला लो, कभी लगता है रजाई ओढ़ लो। आप में से किसके साथ ऐसा होता है बताइएगा ज़रूर। और देखिए, बातों बातों में यहाँ पे मेरा बेड डन हो गया। और अब मैं इधर आ गई हूँ अपने ड्राइंग रूम एरिया में। अभी मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ। ये तो अपना डेली का काम होता है हम लोग का, लेडीज़ का, साइड बाय साइड काम चलते रहते हैं। आज मुझे कहीं जाना भी है, इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा जल्दी हो जाए। बट ना, चीज़ें इन चीज़ों में जितना समय लगता है उतना तो लगता ही है। डेली क्लीनिंग है ये मेरी, तो ये इतना रोज़ करना पड़ता है। और ये देखिए, कपड़े मैं उठा के यहाँ से हटा देती हूँ और फिर मैं यहाँ पर भी क्लीन कर लूँगी ये सोफ़ा भी। अब बढ़िया लग रहा है, थोड़ा साफ़ सुथरा। तो यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ पेपर्स लगा रही हूँ, क्योंकि मैं इस पर ना एक पुरानी चादर डालूंगी। मेरी आदत है गाइस, मैं सब्जियों को धुल के तभी फ्रिज में लगाती हूँ, तो वो काम मैं यहाँ कर रही हूँ। और सब्जियों को थोड़ी देर बस हवा लग जाती है, देन फिर मैं फ्रिज में डाल देती हूँ। और ये देखिए, मैं यहाँ पर अदरक धुलने का आपको तरीका बता रही हूँ। अदरक की सारी गांठें मैं खोल देती हूँ जहाँ से होती है, क्योंकि ना इनके बीच में बहुत सारी मिट्टी डिपॉजिट होती है, तो वो अच्छे से क्लीन करने के लिए इसको जहाँ से इसके जॉइंट्स होते हैं वहाँ से इसको तोड़कर फिर मैं धुल के रखती हूँ, ताकि वो थोड़ी सी भी मिट्टी या गंदगी वहाँ पर ना रहे। तो ये मेरे फ्रूट्स और सब्जियाँ धुल गई हैं। और अभी देखिए, मेरा ड्राइंग रूम पूरा क्लीन हो गया है, सब कुछ यहाँ से हट गया है और थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो गया है। अब मैं थोड़ा सुकून से अपना कोई और काम कर सकती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ गमले रखे थे जो मैंने भी बाहर रखवाए हैं। ये देखिए, बच्चों की फ़ोटो लगा रखी है मैंने यहाँ पर। यहाँ पे मैं फ्रूट्स रखती हूँ, बट अभी नहीं है बास्केट इधर। देखिए ना, साफ सफाई में कितना टाइम हो गया है, और मुझे निकलना भी है कहीं, तो मैं सोच रही हूँ नाश्ता कर लूँ, क्योंकि आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया, क्योंकि मुझे लाइट नाश्ता करना था। और
यहाँ पे मैं अपने एप्पल खा रही हूँ। आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा मैं कितनी जल्दी में हूँ। तो बस ये भी एक काम है जो निपट रहा है फटाफट। आज थोड़े से एप्पल, एक शुगर फ्री कुकी और एक चाय मैंने ली थी नाश्ते में। ये देखिए मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, 11 बज गए हैं और 11:45 मुझे कहीं पहुँचना है। ये मेरे बॉक्स में सीड्स ख़त्म हो गए थे तो बस उठते उठते मैंने इसको पलट दिया बॉक्स में और बस ऐसे थोड़ा सा खाते हुए बाहर निकल जाऊंगी मैं। ये देखिए यहाँ पे ऊपर बालकनी में मेरे कपड़े सूख रहे हैं। गाइस आज इतनी हवा तेज चल रही है, इतनी ठंड हवा चल रही है, लग रहा है कि पानी ना बरस जाए। गुड मॉर्निंग अब्रा। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो? वॉशरूम। उधर जाओ। ये देखिए हमारे छोटे नवाब सो के उठाए हैं और अभी हमारी इनकी वार्तालाप चल रही है। ये देखिए आपको चिड़िया दिखाती हूँ मैं। अब्र को भी दिखा रही हूँ चिड़िया। कबूतर है ये, दो लड़ रहे थे। बाहर का नज़ारा देखिए गाइस कितना खूबसूरत है, बिल्कुल खुला साफ आसमान, बहुत ही सुंदर लग रहा है आज का व्यू। लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं आज तो। अब देखिए मैं यहाँ पे नहा के और पूजा करके आ गई हूँ और बस फटाफट निकलने की तैयारी में हूँ मैं। मुझे तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत मेकअप फ्रेंडली नहीं हूँ। थोड़ी चीज़ें यूज़ करती हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ओरिफ्लेम का है प्रोडक्ट। ये बिल्कुल सुबह मैंने मॉर्निंग रूटीन स्किन रूटीन करने के बाद अभी हल्का सा मॉइस्चराइज़र और फिर देन ये अप्लाई कर लिया है और ये बिल्कुल मौज हो जाता है स्किन में और बहुत ही अच्छा लुक आता है। आप देखिए, अगर मुझे इसका लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ज़रूर से, और आप चेक कर लीजिएगा। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल स्मूथ स्किन। और यहाँ काजल अप्लाई कर रही हूँ मैं। मैं बहुत मेकअप नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि पता नहीं मैं इजी नहीं फील करती हूँ, तो रात में भी बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ नाइट पार्टीज़ में, और दिन में तो सवाल ही नहीं उठता। ये देखिए ये लिपस्टिक है, ये भी ओरिफ्लेम की है, न्यूट कलर में है और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसको लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके लिप्स ड्राई हो रहे हों, बहुत ही अच्छी है। बस ये मेरा ये डियो है, ये भी डियर ओरिफ्लेम का ही है और बहुत ही अच्छा इसका फ्रेग्रेंस है। बस ये हो गया मेरा फाइनल लुक। आजकल मुझे बड़ी बिंदियों का बड़ा शौक लगा हुआ है, तो जहाँ नहीं तहाँ मैं लगा लेती हूँ, अच्छी भी लगती है। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लग रही मेरी बिंदी। बस आई एम रेडी टू गो। परफेक्ट। अभी मैं खुद की तारीफ़ कर रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ।
स्किन भी बहुत स्मूथ है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी ड्रेस। ये एक्चुअली मेरा कुर्ता था जो अब मुझे टाइट आ रहा था, तो मैंने इसको श्रग में कन्वर्ट करवा लिया है। और अंदर इसमें देखिए मैंने एक प्लाजो सेट बनवा लिया है, तो ये बहुत अच्छा इसका लुक आ गया है। तो ऐसे रीयूज़ प्रोजेक्ट्स भी हैं मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स, मैं आपसे शेयर करती रहूँगी टाइम टू टाइम। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसा है तो ज़रूर ट्राई करिए आप। यहाँ देखिए मुझे जाने के लिए लेट हो रहा है और मैं अपने फ़ोटोशूट में लगी हूँ। ये देखिए मैं आ गई अपनी फ्रेंड के यहाँ। आज हम लोग की एक्चुअली किटी थी, तो हम लोग यहाँ थोड़ा मस्ती कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। अभी मैं घर आ गई हूँ, तो एक लुक मैं दे रही थी आपको। ये देखिए आज गाइस क्या बादल घेर रखे हैं पूरा, लग रहा है बहुत तेज़ बारिश होगी और बहुत ही अच्छा मौसम है। क्या बताऊँ, आज मेरे बेटे का मन हो गया समोसे खाने का, और आप जानते हैं कि बाहर से तो मंगा नहीं सकते इस सीज़न में, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आज घर पे ही बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने देखिए मैदा ले लिया है, उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया है, नमक है और थोड़ा सा घी है और थोड़ा सा सूजी डाल दिया है, और इसको नॉर्मल पानी से मैंने गूंथ लिया है। इस समय 6:30-7:30 का टाइम हो रहा है गाइस, और आलू मैंने बॉईल कर लिए है। अब मैं ये आटा लगा के रख दूँगी आधे घंटे के लिए, और उसके बाद फिर मैं इसकी फिलिंग तैयार करूँगी। इसका आटा थोड़ा सा टाइट ही लगेगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का हमेशा। यहाँ पे देखिए आलू के लिए मैंने ये प्याज चॉप कर लिए हैं, लहसुन, मिर्च और ये अदरक, ये थोड़ा सा मैं क्रश कर लूँगी, अच्छे से कूट लूँगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये मेरा स्पाइस बॉक्स, नमक, हींग सब कुछ मैंने अपने पास में रख लिया है, और ये बॉयल्ड आलू है, तो मैंने पहले कढ़ाई में जीरा और प्याज ऐड कर दिया है। अभी थोड़ी सी हींग ऐड करिए गाइस, हींग थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिए क्योंकि हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अभी हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी, फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमने क्रश किया हुआ अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है इसमें, और ये मेरे पास थोड़ी सी हरी वो लहसुन था जो मेरे टेरेस पे हुआ है, तो वो भी मैंने डाल दिया है, अच्छे लग रहे थे ये। यहाँ पे मैंने थोड़ा 1.5 चम्मच अमचूर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला हुआ है, ये 1/2 चम्मच इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया। अभी पोटैटोज मैश करके इसमें डाल दे रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाइस, और थोड़ा सा 1/2 चम्मच गरम मसाला यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने, और थोड़ा सा चाट मसाला, और ये काजू और किशमिश और धनिया, ये सारा कुछ मिक्स कर लिया। अब इसे मैं थोड़ा सा मैशर से मैश कर लूँगी ताकि ये एक सार हो जाए, और इसको रख दूँगी कि ये ठंडा हो जाए, तभी ये भरा जाएगा। इधर मैंने अपनी चाय चढ़ा दी है क्योंकि हस्बैंड भी आ गए हैं, और आज मेरे घर में अदरक ख़त्म है, तो मैं फ्लेवर्ड चाय बना रही हूँ, अदरक इलायची। तो आप में से जिसको चाय पीनी है आ जाइए,
ये देखिए मैंने यहाँ पे, बस हमारी चाय बन गई। अब चाय पीने के बाद ही मैं बनाऊंगी समोसे। और देखिए मैं किचन में आ गई, हमारी चाय हो गई है और मैं यहाँ पे समोसे के लिए पेड़े बना रही हूँ। और इनको हम बेल लेंगे, बिल्कुल पतला बेलेंगे। कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लिया है मैंने, क्योंकि इसको चिपकाना पड़ता है ना गुजिया की जैसे। तो अब भी ये देखिए यहाँ पे चाकू है, चाकू से हमने इसको आधा काट लिया, राइट। अब यहाँ पे हम पानी लगाएंगे और इसको फोल्ड करके समोसे का शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हम आलू की फिलिंग भर लेंगे और इसको बढ़िया से भर के चिपका देंगे। तो गाइस आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर पे और बनाइएगा, त्योहारों का मौसम चल रहा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों की तो बात ही कुछ और होती है। देखिए कितना बढ़िया परफेक्ट शेप आया है मेरे समोसों का। अब ये मैंने 3-4 तैयार कर लिए हैं और मैं अब इसको निकालूंगी, क्योंकि मेरा छोटा बेटा बहुत डेस्परेट हो रहा है, उसको तुरंत चाहिए समोसे। तो बस इनको, लेकिन बहुत धीमी आंच पे, आपका तेल बहुत मध्यम आंच पे होना चाहिए। ये देखिए मैंने हरी चटनी बनाई थी और उसके साथ में ये समोसे सर्व। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? आज मैंने रूटीन टाइप आपके साथ शेयर किया। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल निशाज रेनबो, और उसके साथ में एक बेल आइकन होगा फ्रेंड्स, जो आप हिट करेंगे तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाएगी। तो बाय बाय।